इस मूवी की स्टार्टिंग में चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट देते हुए दिखाया गया है। मेरी मानो इस मूवी की ट्रेलर को जितनी बार भी देख लो मन नहीं भरेगा, ये मेरी गारंटी है। इस मूवी में एक डायलॉग आता है, जो सबसे ज्यादा टूट के बिखरता है वही मसीहा बन के निखरता है। ये डायलॉग दिल को छू गया, सच में दिल को छू गया। इस मूवी के VFX का तो बिल्कुल भी जवाब नहीं है। हर एक सीन एक ऐसा सीन है मानो ये जस्ट हुआ है। हैट्स ऑफ टू द टीम मार्वल। ये टीजर भले ही आपने एक बार देखा हो, भले ही आपने 10 बार देखा हो, मैंने खुद ये टीजर 10 बार देखा है और हर बार देखने पे मुझे यही लगता था कि शायद मैंने ये सीन पहले नहीं देखा। इतनी बारीकी से काम, मार्वलस, रियली अ ग्रेट एफर्ट्स डन बाय द टीम एंड डिपेक्टेड एज वेल। मतलब ये ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि जितना भी टाइम हमने वेट किया इस ट्रेलर के लिए, इस मूवी के लिए, अगले महीने नवंबर में आने वाली है, वो वर्थ अ वेट था। लेफ्ट से गोलियां चल रही हैं, राइट से भाले घुस रहे हैं, मतलब सच में एक इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने सच में नहीं देखा। फ्लाइंग कार्स, ड्रिफ्ट, मतलब मेरे तो रोंगटे उड़ गए भाई, सच में रोंगटे उड़ गए। इस टीजर में हर एक सीन को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लैक पैंथर ना ही सिर्फ देश को बल्कि देश के सारे लोगों को बचाने आ रहा है। इस मूवी, इस ट्रेलर का हर एक सीन देखने वाला है, हर एक सीन आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी छोड़ देगा कि मानो अगले सीन में पता नहीं क्या होने वाला है। मार्वल्स की जब भी कोई मूवी आती है ना सिर्फ मेरा बल्कि सबका मन करता है कि जाके वो थिएटर में उस मूवी को देखें और इस मूवी के 3D इफेक्ट्स ऑसम होने वाले हैं। एंड फाइनली इस मूवी के, इस ट्रेलर के एंड में ब्लैक पैंथर रिवील होता है जिसका इंतजार हम सबको था। इस मूवी में चैडविक बोसमैन की कमी काफी खली, बट स्टिल फिर भी फाइनली हम इस मूवी को 5 में से 5 की रेटिंग देंगे। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस टीजर की रेटिंग क्या होनी चाहिए, हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।